अच्छा तिब्बती में क्या बोला आपने नमस्ते को? तशीगिले बोलते है। मेरे नाम है, फुल नाम थकपा डोलमा है, शॉर्ट में डोलमा डोलमा बोलते हैं। डोलमा तिब्बत से होगी, भूटान में आया है। तो वहाँ का किंग ने ऐसे बोला, अगर वहाँ रहना है तो अब जाने का मन तो करता है ना, जाने का मन तो करता है, पर नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता, रिफ्यूजी होने का महसूस नहीं होने देता है। मेरे पास घर में अकेला लड़की है, तो लड़का आएगा तो हमारा घर में दमद करके भी बैठ सकता है। अच्छा, तो ऐसे होता है ना, दमद आएगा ना, हम लोग लेने जाना पड़ता है उसको। अच्छा, ये होता है। अब अष्टमी त्योहार उस दिन होगा आंटी, जिस दिन आपको तिब्बत फ्री मिल जाएगा, है ना? उस दिन तो बहुत अच्छा, बस तिब्बत का आजाद कर दो, दलाई लामा जी को वहाँ जो पोतला में बुला दीजिए। क्या कर? हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ तिब्बती मार्केट में, जो कि देहरादून के बहुत ही फेमस मार्केट है, और तिब्बती लोग बहुत ही क्यूट लोग होते हैं। मैं सच बताऊँ आपको, तो जैसे 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था और चाइना ने जो है तिब्बत पर अपना टेक ओवर कर लिया था, तब से लोग इंडिया में रहते हैं। और इंडिया में सबसे, मैं बताऊँ, सबसे शांति प्रिय कोई अगर डोमेस्टिक पीपल्स हैं जो लोग आए हैं, वो तिब्बती लोग हैं, जो जिनको अपना खाली अपने काम से मतलब होता है, ना किसी को परेशान करते हैं, मतलब अपने ही उसमें बिजी रहते हैं, अपनी एक सोसाइटी इनकी होती है जहाँ पे ये पूजा पाठ करते हैं अपना, और साथ साथ अपना छोटा मोटा काम बिजनेस करके अपना काम धंधा चलाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों से मिलना। पहले मैंने एक लामा जी पे ब्लॉग बनाया था, तो अभी मैं एक आंटी के पास आया हूँ जो कि तिब्बती मार्केट में है। तो आइए आंटी से बात करते हैं। अरे आइए आंटी। तो आंटी से मैंने बोला कि आंटी आपसे दो चार बातें करना चाहता हूँ, तो आंटी रेडी हो गई हैं। चलिए आंटी से बात करते हैं और देखते हैं तिब्बती लोग कब से यहाँ पे, कैसा इनका रहन सहन है, कैसा इनका खान पान है, और कैसा इनको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो ये चला एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी आंटी, तिब्बतन आंटी हैं। आंटी जी, नाम क्या आपका? थकपा डोलमा है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तिब्बती में क्या बोला आपने नमस्ते को? तशीगिले बोलते हैं। तशीगिले। तशीगिलेक। तशीगिलेक। अच्छा, तो आंटी बहुत बहुत तशीगिलेक आपको। आंटी जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरे नाम है, फुल नाम थकपा डोलमा है, शॉर्ट में डोलमा डोलमा बोलते हैं। डोलमा डोलमा। तो डोलमा आंटी, आप कब से रह रहे हैं इंडिया में? हम यहाँ है 1982 से यहाँ है। अच्छा, तो हमने ये शॉप 85 से स्टार्ट किया। बाप रे, 85 से स्टार्ट किया आपने। तो आंटी, जब 82 में आप आई थी, बच्ची रहेंगी छोटी सी? हाँ, उस समय शादी तो नहीं हुआ, कम से कम कितना साल होगा, 17-18 साल ऐसे होगा। अच्छा, इतना साल रहा होगा आपको, आप तो बहुत छोटे लगते हो। नहीं नहीं, हमारा उम्र अभी 57 है। अच्छा, कितना? 57 है। अच्छा अच्छा, नहीं आप तो 57 लगते नहीं हो। अच्छा आंटी, ये बताओ, जब आप वहाँ से आए थे, तो मतलब आप फैमिली के साथ आए होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ आए होंगे? हाँ, हम लोग आया तो मम्मी पापा के साथ आया है, पर उस समय हमें इतना याद नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे था। हाँ। कितना, 2-3 साल ऐसे होगा ना। हाँ। हम लोग 1967 में यहाँ तिब्बत से होके भूटान में आया है। अच्छा, भूटान में आया। भूटान में आया और 67 की 81 में इंडिया में आया। अच्छा, भूटान में थे। तो आंटी, जब वार हुआ था, तब से आपके मम्मी पापा यहाँ आ गए थे, जब चाइना ने अटैक किया था तिब्बत पे? नहीं, हम लोग 67 में आया, यहाँ 59 में अटैक हुआ है ना, उस समय हम वहीं होगा शायद पापा। हाँ। तब आप भूटान में आए। हाँ जी। तो भूटान में आप कितना साल रहे वहाँ पे? 1967 से लेके 1982 तक वहाँ है, 82 के बाद हम यहाँ आया। अच्छा, फिर आंटी, बस वहाँ से तो क्या ऐसा रीज़न हुआ कि आप इंडिया में आए भूटान से? वहाँ ऐसा रीज़न हुआ, भूटान थोड़ा सा छोटा देश है ना, तो हम लोग टिबेटन रिपूची है। हाँ। तो वहाँ का किंग ने ऐसे बोला, अगर वहाँ रहना है तो फिर उनके जैसे बाल काट तो ऐसे उनके जैसे पहनना पड़ेगा, उनके सिटीजन ऐसे करके पहनना पड़ेगा, नहीं तो छोटे देश में दो ऐसे अलाउड नहीं है, ऐसे बोल के ना। फिर हम लोग तो ऐसे नहीं, हम लोग दलाई लामा जी का पीपल है, हम रिफ्यूजी है, हम तिब्बती रहना है, कोई और चेंज नहीं करना है बोल के। फिर वो लोग ने, फिर ऐसे है तो आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, आप जा सकते हैं बोला। तो आंटी, खाली ड्रेस का इशू था कि आपके कुछ पूजा पाठ की पद्धति भी अलग है? कोई इशू नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेम है, हम लोग सेम है। हाँ, खाली वही था कि लैंग्वेज, और उस समय हमारा पापा मम्मी का दिमाग ऐसे होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, हम टिबेटन है तो हम टिबेटन ही है, हम टिबेटन है तो टिबेटन ही है, हम कोई और कल्चर एक्सेप्ट नहीं करेगा। आंटी, मुझे बहुत अच्छी बात लगी तिब्बतियन की, ये अपना कल्चर बिल्कुल नहीं छोड़ते, जैसे काफी सारे लोग आजकल वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अप्लाई, लेकिन आप लोग अभी भी ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार गया
उसमें मठों में गया तो बिल्कुल अच्छा लगा मेरे को जान के ना, तिब्बती लोग अभी भी अपनी भाषा से अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं, भूले नहीं। लेकिन तो आजकल सब इंग्लिश इंग्लिश, अब चाहे मैं हिंदी हिंदी वाले सब इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके ये है नहीं बोलेंगे तो अपनी लैंग्वेज ही बोलेंगे। अच्छा तो आंटी जी, अब तिब्बत का आपका भी जाने का मन करता है आपका? तिब्बत में आपकी लैंड वैंड कुछ है ऐसी? हमारा होता है ये रिलेटिव बहुत होता है, पर हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं हो पाते, ना तो फोन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब बिल्कुल प्लैंग है। अच्छा। अब जाने का मन तो करता है ना, जाने का मन तो करता है, पर नहीं जा सकता है। नहीं जा सकते आप? नहीं जा सकते। बिल्कुल अलाउड, चाइना अलाउड नहीं करता? नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छा, कितनी गलत बात है ना आंटी, आपका अपना देश है ना, क्या करूँगा। वहाँ पे आपके मठ वठ होंगे बहुत सारे? है, बहुत है। हाँ, हमारा आधा यहाँ टिबेटन या इंडिया में है, सब जगह फैला हुआ है, आधा से ज्यादा वहाँ तिब्बत में है हमारा। हाँ, बहुत ज्यादा वहाँ है। अच्छा, तो आंटी जब वहाँ पे अटैक हुआ तब की याद है आपको, कैसे अटैक हुआ था, कैसे वहाँ से? मुझे तो उस समय बॉर्न भी नहीं हुआ ना, जैसे 7 में हम मेरा। अच्छा, तब आपको ऐसे होगा मेरे डेट ऑफ बर्थ। तो आपके पेरेंट्स हैं अभी? पेरेंट्स नहीं है। तो वो क्या बताते थे आंटी के बारे में कि चाइना ने कैसे वहाँ पे मतलब क्या ऐसे क्रिएट किया कि आप लोगों को वहाँ से रिफ्यूजी बनना पड़ा? रिफ्यूजी बनना पड़ा, वो तो ऐसे है ना, हम लोग वहाँ बैठता है ना, मेरे पापा ने ऐसे बोला कि जब वहाँ बैठेगा तो ना, तो रोज शाम को मीटिंग में बुलाता है, तो आज मैंने जो बात बोला ना वो कल भी वही बोलना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा गलती हुआ तो फिर वो सीधा जेल में डालता है ना, ऐसे करता है, बहुत ज्यादा ये हुआ होगा। अच्छा, इसलिए हम लोग आ गए। अच्छा आंटी, अब इंडिया में आपको कैसा लगता है? इंडिया में तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडियन लोग, इंडिया कल्चर कैसा लगता है? सब अच्छा है। खैर, आप तो आप खुद इंडियन हो गए। नहीं नहीं, वैसे भी हम लोग टिबेटन है ना, फिर हम लोग रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी होने का महसूस नहीं होने देता। इंडिया में प्यार मिलता है आपको? जैसे आंटी कई लोग बोलते हैं आजकल की इंडिया में लोगों को तब रहने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटी उनको परेशान करते हैं, आपको कभी ऐसा? हम लोग कितना सालों से यहाँ रह रहे, हमें ऐसे अभी तक किसी ने ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि तुम रिफ्यूजी है, ऐसे फीलिंग होने नहीं दिया। नहीं दिया, जो भी करे अपनी मर्जी से बिजनेस करो या काम दूसरा करो, कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं है, हम लोग का बहुत फ्री में रखा, कोई रोक टोक नहीं। तो आंटी, कुछ लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि माइनॉरिटी को रहने नहीं दिया जाता है? आप देखते हो न्यूज़ में आजकल बहुत चलता है, परेशान करते हैं जो हिंदू लोग हैं, बड़े ज़्यादा मेजोरिटी में हैं, तो आपको कभी ऐसा कुछ मुद्दा कभी नहीं लगा ना? सबसे आपको प्यार ही मिला? हम जब से यहाँ बैठा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमारा बच्चों लोग भी अभी अभी एक वन नर्सरी से 12 क्लास तक तो टिबेटन का है, उसके बाद तो कॉलेज जाना पड़ता है, तो इंटर्न का पॉलिसी है ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई है, दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, सब मिलजुल के फिरता है, बच्चे का साथ ही मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आंटी जैसे आप तिब्बतीन लोग हो, तो आप मोस्टली बिजनेस में ही जाते हो या जॉब भी करते हो आप? ऐसे है, हम लोग ज़्यादातर तो बिजनेस, हम लोग का टाइम में तो अब एजुकेशन नहीं है तो बिजनेस में जाता है, तो हमारा बच्चा लोग तो अभी पढ़ा लिखा है। अच्छा, पर जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर यहाँ आ जाते हैं, बिजनेस में ही करते हैं। जैसे प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपके लिए अलाउड होता है ना? गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, प्राइवेट जॉब तो मिलता है, मिलता है। हाँ, तो गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम पास होगा तो भी वो कागज रिबूची का आ जाते हैं ना, फिर अच्छा, उससे अच्छा, नहीं होता है। अच्छा, तो आंटी आप लोगों का आधार कार्ड भी बनता है क्या? आधार कार्ड है, आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। अच्छा, सब कुछ है आपके पास, तो आप इंडियन ही हुए फिर तो। इंडियन ही हो, इंडियन तो देखो, है। देखो आंटी, धरती सब पूरे भगवान की है, जी, जी, जो भी भगवान की एक है वो तो हमने बांटा है ना, कि तिब्बत है, नेपाल है, चाइना, तो हमने बांटा है, एक ही है, हम तो दुनिया तो भगवान की एक ही है, वो तो हमने बांटा हुआ है ना, भाषा चेंज है ना, भाषा चेंज है, बस ये भाषा तो हमारा तिब्बत में भी बहुत सारा 4-5 लैंग्वेज अलग अलग होता है। सही बात है, हर जगह लैंग्वेज चेंज होती है, रीति रिवाज चेंज होती है, लेकिन इंसान तो इंसान ही है, इंसान चाहे बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इंसान तो इंसान है, है ना। और दूसरी बात आंटी, आपका जो नेचर है ना, मतलब तिब्बती लोगों का नेचर बहुत शांत, कूल, हल्के हल्के बात करते हैं, कोई कभी मैंने आज तक कोई तिब्बती चिल्लाते हुए नहीं देखा। नहीं, कोई कोई आजकल न्यू जनरेशन में थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा यंग लोग करते होंगे, लेकिन मैंने देखा बहुत ठंडे से बात करना, बहुत कूल, मतलब आपका जो धर्म है ना, बौद्ध धर्म यही शिक्षा देता है कि शांति, पीस पे ही आधारित है ना। दलाई लामा जी हमेशा बोलता है कि किसी को बुरा मत करो, अगर अच्छा नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, बुरा तो मत करो, ये करो बस, बिल्कुल हमेशा है ना, उसको क्या बोलते है, दया से, जो छोटा गरीब लोग का दया करो, और
क्या बोलते हैं अब मुझे धर्म करो, दया करो, धर्म करो, दान करो, दान करो, दान करो, सबका मदद करो, आस पास रहने वाला का साथ मिलजुल के बैठो बैठो, ऐसे लड़ाई लड़ाई मत करना, गुस्सा मत करना। तो आंटी थोड़ा मैं बौद्ध धर्म के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पूजा पाठ रीति रिवाज क्या होते हैं आपके? बौद्ध धर्म पूजा पाठ रीति रिवाज वो तो बुद्धिस्ट में वही होता है जो भगवान का पूजा होता है ना। अच्छा, तो आप सुबह शाम पूजा करते हो? हाँ, सुबह का ऐसे हमारा है ना, हम लोग तो अभी एजेड है, सुबह शाम पूजा करता है। जी जी, यंग जनरेशन तो हाँ वो तो आजकल फिर थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, तो आंटी रीति रिवाज क्या है आपके? रीति रिवाज लाइक वेडिंग कल्चर कैसा, वेडिंग कैसे होती है आपके? जैसे हमारे हिंदू में तो फेरे होते हैं, बारात जाती है, ऐसे नहीं है। आपके ऐसे होता है शादी में ना? हम लोग ऐसे होता है, देखो मेरे पास घर में अकेला लड़की है तो लड़का आएगा तो हमारा घर में दामाद करके भी बैठ सकता है। अच्छा, तो फिर बहू लड़की उधर जाना चाहो तो उधर भी जा सकता है, जा सकता है, मर्जी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये घर जमा नहीं बनेगा ऐसे नहीं होता है हमारा। अच्छा, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। जहाँ कम अब मेरे पास एक ही लड़की है, मैं दो मम्मी पापा है, कम है उसके पास, दो तीन लड़का बच्चा है, वो लड़का मेरे घर में बैठ जाते हैं। अच्छा, ऐसे होता, कुछ नहीं होता इसमें, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा अच्छा, और शादी तो है ना, कब कोई कोई जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा अच्छा से बनाता है। अच्छा, नहीं फिर शादी बिना शादी थोड़ा छोटा छोटा शादी करके भी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मेन ये कि अगर आपके एक लड़की है, अगर दामाद भी आपके घर शादी करके आ सकता है, जरूरी नहीं कि लड़की वहाँ जाए। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप दामाद को भी ला सकते हो, ला सकते ये है। कल्चर आपका, रिवाज आपका, मतलब दामाद बारात लेके आपके यहाँ लड़की वाले के यहाँ आ सकता है। तो ऐसे होता है ना, दामाद आई का ना हम लोग लेने जाना पड़ता है उसको। अच्छा, ये होता है, दामाद को लेने जाओ। हाँ जी, हम लेने जाएगा, वो घर में आएगा, घर में आएगा, शादी हम लोग करे, ये जो हम खर्चा हम लोग करेगा। अच्छा अच्छा, अगर हमारा बेटी वहाँ जा रहा है तो फिर खर्चा ज्यादा वो लोग करेगा। अच्छा, ये सही है आपके यहाँ? ये है ना, हमारे यहाँ तो लड़की वालों को बहुत खर्चा हो जाता है, दहेज बहुत चलता है। आपके भी चलता है? दहेज नहीं है, दहेज नहीं है, कुछ भी अपनी मर्जी है, जितना हो सके दे दो, नहीं देगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कोई रोग नहीं है। अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, फ्री है। अच्छा अच्छा, तो शादी मतलब आपकी नॉर्मल बौद्ध टेंपल में होती है आपकी शादी? बौद्ध मंदिर में? नहीं नहीं, बौद्ध मंदिर में होना जरूरी नहीं, हम लोग घर में मैतम पाक होता है ना वहीं पे कर लेते हैं, टेंट लगा के ऐसे। अच्छा, तो कोई आपका गुरुजी आते हैं शादी वादी के लिए कुछ? जैसे जैसे हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, और उसमें ईसाई में पादरी लोग आते हैं, करते हैं पूजा के लिए आते हैं। तो छोटा सा फंक्शन होता है, कितने दिन का फंक्शन होता है आपका? हमारा तो ज्यादा एक ही दिन का होता है। एक दिन का होता है, एक दिन शादी किया, पार्टी पुटी किया, यानी कल सुबह, कल को है ना दूसरे दिन को जो काम करने वाला है ना उनको पार्टी दिया, बस हो गया। अच्छा, हो गया। अच्छा अच्छा, और आपके त्योहार क्या होते हैं, फेस्टिवल्स? त्योहार हमारा एक तो लोसर है, लोसर मीन्स ये आपकी न्यू ईयर है ना। अच्छा, हमारा लोसर है। अच्छा, वो फेब्रुअरी ऐसे में आते हैं। अच्छा अच्छा, वो है, और एक तो ये है दलाई लामा जी का टेरोपत पट्टे का दिन है, वो मैं चुने की कुछ में आता है। अच्छा, ऐसे है ये फेस्टिवल होता है? फेस्टिवल चार पांच होता है, एक तो 10 दिसंबर जो नोबेल पीस प्राइस, पीस होलीनेस दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइस मिले है ना, उस दिन हम लोग उस दिन मनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और छोटे छोटे तो है, और असली त्योहार उस दिन होगा आंटी जिस दिन आपको तिब्बत फ्री मिल जाएगा, है ना? उस दिन तो बहुत अच्छा मेरे तो दो आंटी, शायद मोदी जी कुछ कर ले। हाँ, मोदी जी कुछ कर ले, ये कुछ तो कर ले सब ऐसे, तो ये होप करके तो बैठा है ना, बैठा है। अभी उम्मीद करके तो बैठा है, उम्मीद करके बैठा है। अच्छा आंटी, एक बात पूछ रहा था, जैसे आपके गुरु दलाई लामा जी हैं जी, तो और कम्युनिटी के गुरु कोई और हैं क्या? ऐसा भी होता है आपके? ऐसा नहीं होता, सबके गुरु दलाई लामा ही हैं, एक ही है, सबका पूछा धर्म एक ही होता है, धर्म तो एक है। हाँ, और गुरु जी जो ऐसे हैं, गुरु जैसे भूटान वाले को भी वही है दलाई लामा जी? नहीं, भूटान का वो चेकिंग। अच्छा, उनके गुरु जी अलग है, आपके तिब्बतन के गुरु जी अलग है, पर बुद्धिस्ट लोग दलाई लामा को बहुत मानता है। अच्छा, मानता है, बहुत मानता है। अच्छा आंटी, चाइना भी तो बौद्धिस्ट कंट्री है, फिर वो आपसे इतना वो क्यों करता है? वो तो देश तो चीना है ना, पर उसको ऐसे होता है ना, दलाई लामा जो वो बोलता है, ये पूजा हम लोग करता है ना, वो जहर है, वो मत करो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, पहले वो जो दलाई लामा चाइना का ये है ना, उसका नाम माओ त्सेतुंग, उसने बोला है। अच्छा, पूजा ये पूजा मत करो, ये पूजा जहर है ऐसे बोला। अभी यंग जनरेशन लोग तो फिर अभी बहुत पूजा का थोड़ा ये कर रहा है, बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये बात है। तो आंटी, चाइना के बारे में क्या करना चाहता हूँ, कुछ मैसेज देना चाहते हो चाइनीज लोगों को? चाइना का क्या मैसेज करो, आप बस टिबेट का आजाद कर दो, दलाई लामा जी को वहाँ
जो पोतला में बुला दीजिए। क्या कर दीजिए सॉरी? जो ये सोलने से दलाई लामा वो थासा में जी पोतला है ना, जी पोतला वहाँ पे दलाई लामा जी को बुला दीजिए और हमारी मतलब पूरा घर घर वापसी करवा दीजिए। घर बस अभी तिब्बत को आजाद कर दो। हाँ जी, तिब्बत को आजाद पहले कर दो, मिले ना मिले तिब्बत को आजाद कर दो, बस वही काफी है ना। अच्छा आंटी, अब खान पान के मैं बता दो, क्या डिशेस बनती है तिब्बतियन की? तिब्बतियन का मोमो थुपा। अच्छा, मोमो थुपा टिंगो। अच्छा, ये क्या सब वेज है कि नॉन वेज है? नॉन वेज भी बन सकता, वेज भी बन सकता, दोनों होता है। अच्छा, तो आंटी जैसे लोग मानते हैं कि तिब्बतियन वेज नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, क्या ऐसा है? पहले तो खाता है, अभी कम हो गया। आप में कुछ वेजिटेरियन होते हैं? होता है कि सभी नॉन वेजिटेरियन ही होता है? नहीं, वेजिटेरियन होता है। क्योंकि मैंने सुना था बौद्ध धर्म में बोला गया कि भगवान ने जो बनाया सब कुछ खाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। भगवान ये पूछा में है ना, जब हम अपने आप से प्यार करता है ना, तो हम उसका मांस खाता है ना, वो भी हमारा जैसे, अगर हमारा मांस किसी ने खाया तो हमको कैसे फील होता है? कैसे फील होता है? सेम है, ऐसे पूछा में ऐसे होता है, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा बोला गया है? होता है। आप खाओ मत खाओ अपनी मर्जी है, कंपल्सरी नहीं है कि तू नहीं खा सकता ये पाप है, ऐसा नहीं होता है, अपनी मर्जी है, आपने सोचना है, अपना सोचना है। हाँ जी। अच्छा, तो आंटी लास्ट ये पूछ रहा हूँ आपसे, मार्केट में आपका कैसा, यहाँ पे कैसा चल रहा है आपका मार्केट? ठीक ही चलता है। बढ़िया चल रहा है, चलता है। अब विंटर स्टार्ट हो गया तो विंटर के आइटम्स, स्वेटर जैकेट ये सब बेचता है ना। अच्छा, समर में हम लोग टी शर्ट शर्ट जीन्स ऐसे बेचता है। अच्छा, पर हमारा रोजी रोटी हो गया, बच्चे का फीस, स्कूल का फीस वगैरह सब यहाँ से निकल जाती है। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं आंटी आपके? अच्छा, मेरे तीन हैं। तीन बच्चे हैं, शादी वादी हो गई किसी? एक लड़के का शादी हो गया, सबसे बड़ी वाला का। अच्छा, लड़के का? लड़की का शादी हो गया, बाकी अभी हैं। अच्छा, तो आंटी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरी भगवान से यही दुआ रहेगी आंटी और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और काफ़ी पैसे कमाते रहे आंटी यहाँ पे, और आंटी के बच्चे भी सब बढ़िया रहे। और एक दिन जाना आपसे, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरी आज का ब्लॉग, ये तिब्बतन आंटी वाला ब्लॉग? आंटी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की कि दिल खुश हो गया मेरा, और जैसे मेरा पहले से ही तिब्बती लोगों के लिए बहुत ही प्यार श्रद्धा विश्वास अलग ही रहता है, वही आंटी ने बिल्कुल बिल्ड करके रखा, कोई उसमें अंतर नहीं आया। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरी आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गैरला भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय। और हाँ, तिब्बतियन मार्केट आओगे तो शॉपिंग जरूर करना आंटी के यहाँ से। आंटी, आपकी शॉप नंबर क्या है? 71 है। आंटी का जो शॉप है वो 71 नंबर है, तो प्लीज़ जब भी आए आंटी के पास ज़रूर आए, अच्छा कलेक्शन मिलेगा आपको।